वर्ड नहीं याद हो रहा है आप लोगों से, तो वर्ड का ट्रिक बनाओ, ट्रिक बनाओ, नेगेटिव सेंस में बनाओ तो ज्यादा याद हो जाएगा। मैंने बहुत वर्ड का ट्रिक बनाया, बहुत हद से ज्यादा, हम लोग का ग्रुप ही था वही करने के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं वर्ड बहुत अच्छा हुआ। और आज भी कभी वर्ड नहीं याद होता है तो वैसे ही मैं तोड़कर मरोड़कर याद कर लेता हूँ। हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग के नॉर्थ बिहार, मतलब नॉर्थ जितने भी इंडियंस हैं जो खासकर हिंदी मीडियम से हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जब SSC की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश में आता है। देखिए, इवन इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत है इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हैं उनको भी दिक्कत है। तो देखिए, आप लोग क्या करें, कितना स्कोर तक गेन कर सकते हैं तो मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, ठीक है? कौन सी बुक कैसे पढ़नी है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने कोई फंडामेंटल कोर्स नहीं किया है या बेसिक कोर्स, कोई भी कोचिंग नहीं लिया है तो आप ले लें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक बार ये जरूर ले लें। अगर एक बार नहीं ले रहे हैं तो आपको ये पूरा जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट नहीं होता दिखेगा। खुद से आप कीजिएगा, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन दिक्कत यह है कि आप खुद से पूरी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, छोड़ दीजिएगा बीच में। तो कोई भी, अगर आप एकदम नए हैं तो आप कोर्स लेके पूरा कीजिए उस कोर्स को, फिर आप बुक चूज कीजिए। जो कोर्स पूरा कर चुके हैं उनके लिए अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस की। देखिए, प्रैक्टिस आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह अवेलेबल है, तो आप लोग ऑनलाइन करते हैं ऑब्वियसली है। ऑनलाइन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, उसका उसी समय देख लेते हैं आंसर जो भी होता है, और उसके बाद वो, मतलब वो देखने के बाद दोबारा देखते ही नहीं है, ऐसा होता है। बहुत कम ही लोग हैं जो रिवीजन करते हैं उस चीज़ का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि वो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो आज मैं बता दूं कि अगर आपको रिवीजन करना है तो मैं पहले भी बताया था कि किरण का बुक है, उसको आप ले लीजिए। अब नया एडिशन आ गया है जो कि मतलब एकदम लेटेस्ट है, वो मेरे पास आ चुका है, तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो बुक है अभी मतलब दिसंबर 2023 तक है, 16,900 इसमें टोटल 16,900 क्वेश्चंस है, 16,950 क्वेश्चंस है इसमें, तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ और साथ में आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि क्या करना है, ये कब पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग वाले को क्या ये पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखो, अगर आप टेस्ट दे रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो नए वाले बिगिनर्स हैं तो पहले वो अगर नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो वो उस तरीके से टेस्ट देंगे, ना कि उठ के आ जाएंगे यहाँ पे और ये टेस्ट देना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको नाउन प्रोनाउन पढ़ लेना है, जो भी है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, उसके बाद यहाँ आना है जब सब कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप वर्ड के लिए आ सकते हो, वर्ड के लिए इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि आप सब कुछ जानते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लो कि आपको सब कुछ पता है, अगर सब कुछ पता है तो दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप, आपको ऑप्शन जब दिया जाता है, जब आप टेस्ट लगाते हो और ऑप्शन दिया जाता है तो अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत गंदा कन्फ्यूज़न होता है, वो आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ये मतलब हर किसी के साथ होता है, बहुत कम ब्रिलियंट लोग हैं मतलब जिनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वर्ड में हो, वन वर्ड में हो, इडियम्स में हो, ये कन्फ्यूज कर देता है, कभी साइनो की जगह एंटो, कभी एंटो की जगह साइनो लग जाता है। आप एग्जाम में जाते होंगे तो ये अक्सर गलतियाँ होती होगी कि साइनो की जगह एंटो, एंटो की जगह साइनो लग जाता है आपसे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसका सोल्यूशन एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसा करें, तो जैसा क्वेश्चन पूछता है मतलब MCQ में वैसे ही। तो देखिए, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, अभी मेरे को जहाँ तक पता है कि इसमें एक सेकेंड मैं निकाल देता हूँ कि इसमें MCQ के लिए तो ये पूरा बुक ही MCQ पे है, A to Z, जितना भी पढ़िएगा सारा MCQ है इसमें, इसमें सारा MCQ है। तो इसमें वर्ड का जैसे एंटोनिम है, एंटोनिम मैं उल्टे कैमरे से दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड देखिए। तो ये जो है एंटोनिम्स है, तो एंटोनिम में क्या दिक्कत आती है कि हम लोग कभी कभी सेनो मार देते हैं, कभी एंटो मार देते हैं, ये हमेशा हम लोगों से गलती होती रहती है हमेशा। तो आपको भरपूर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और भरपूर प्रैक्टिस के लिए आपको ऐसे MCQ वाला बुक होना चाहिए। MCQ वाला आप किसी भी बुक से पढ़ो, ब्लैक बुक से पढ़ो, कोई भी बुक से पढ़ो, लेकिन रिविज़न करने के लिए आपको एक बुक प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। तो ये एंटोनिम्स के लिए या सिनोनिम्स के लिए या वन वर्ड के लिए, सब के लिए इसमें, इसमें अभी जो लेटेस्ट पैटर्न है वो सारा क्वेश्चन दे रखा है। और अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग को पता रहता है कि यहाँ पे सिनो मारना है, एंटो मारना है, और वहाँ पे जाके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिनो की जगह एंटो, एंटो की जगह सिनो कर देते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही जाएगी, इसमें करने के लिए ये बुक काफ़ी है आपके लिए। तो अगर आप नहीं लिए हैं तो इस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ये प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड।
अब हम बताते हैं आपको कि कैसे इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए ये प्रैक्टिस बुक के लिए था कि मैंने जो दिखाया किरण का वो प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आपको याद करने के लिए अलग अलग बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। देखो अगर जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है और जो चाहते हैं कि मेरा इंग्लिश थोड़ा सा ग्रामर अच्छा हो जाए, तो रानी मैम का वो 12 घंटे का कोर्स है, वो आप लोग एक बार देख लो जरूर, वो बहुत फ़ायदे की मतलब बहुत अच्छा मैडम ने पढ़ा रखा है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, वो बहुत अच्छा पढ़ा रखी है, वो आप देख लो। ठीक है, अगर फ्री में है, नहीं तो कोर्स ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। जिसका भी कोर्स हो, ये जरूरी नहीं है कि रानी मैम को, रानी मैम ने बहुत अच्छा फ्री में कोर्स डाल रखा है उसमें। साथ ही आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो, अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है, न्यूज़पेपर आज से भी अगर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं 3 महीने में आपको खुद दिखेगा, ऐसे लगेगा कि आप टाइम काट रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ के, लेकिन जब एग्जाम में या जब टेस्ट दोगे ना तो लगेगा कि अरे यार इस वर्ड के बाद ये होना चाहिए ये। और आप पेपर लो, 1-5 रुपये का पेपर मिलता है, हिंदू नहीं ले पा रहे हो 12 रुपये का, तो कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, 5 रुपये का लो और वो 3 दिन में खत्म करो, 2 दिन में खत्म करो, आपको जितना टाइम में खत्म हो जाए वो खत्म करो, तब नेक्स्ट लो, सारा चीज पढ़ जाओ उसमें का। कोई ये एडिटोरियल ही नहीं सिर्फ पढ़ना है, एडिटोरियल उनके लिए जरूरी होता है जो राइटिंग करते हैं लिखते हैं उनके लिए जरूरी होता है, लेकिन आप एसएससी के स्टूडेंट हो, सारा चीज पढ़ जाओ। ठीक है, 3 दिन में 4 दिन में खत्म हो जाए, खत्म करो। साथ में आप MCQ के रूप में आप जो भी टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रीवियस ईयर पहले करो, प्रीवियस ईयर A to Z कंप्लीट कर दो, फिर दूसरा स्टार्ट करो। अगर मॉक टेस्ट है किसी भी कंपनी का ले रखे हो आप, किसी भी पब्लिकेशन का, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट देने से पहले आपका क्या क्या चीज़ सही होना चाहिए। ग्रामर आपके पास होना चाहिए, वोकैब सेक्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत लड़के होते हैं जो तैयारी करते वक्त मारने लगते हैं, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी टेस्ट दे जो मतलब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो भी दे, लेकिन ध्यान रहे कि जो सेक्शन आपका कंप्लीट है उसमें क्वेश्चन ना छूटे। अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान लो नाउन ही कंप्लीट है, तो नाउन से क्वेश्चन अगर आ रहा है तो नाउन से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आपसे, उस तरीके की तैयारी आप लेकर चलो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप जिस टीचर को फॉलो करोगे वहाँ पे उनका PDF अवेलेबल होगा, नाउन से प्रोनाउन से हर चीज़ से रिलेटेड अवेलेबल होगा, तो कोशिश करो कि उनका PDF जो है वो लो और उनका PDF बना जाओ। ठीक है, आजकल इतने टीचर हैं YouTube पे फ्री में पढ़ाते हैं, वो सारे टीचर वो गलत नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको ज्ञान ही दे रहे हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिक जिस दिन गलत हो पढ़ाएंगे आपको देखते ही बता दोगे ये टीचर गलत बताया है या गलत पढ़ाया है। तो देखो जिनका भी अभी मतलब अभी बिगनर्स हैं वो वर्ड स्टार्ट कर दें। मैं SC हार्डविक का भी जिक्र करता हूँ, अगर SC हार्डविक का सोल्यूशन है तो वो ले लें, वो शुरू वालों के लिए, बिगनर्स के लिए वो बहुत अच्छा है, बिगनर्स के लिए एकदम अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। उसमें आप जो पढ़ोगे ना तो जो स्टार्टिंग का वर्ड होना चाहिए उस हिसाब से ईजी से मॉडरेट से हार्ड उसमें दे रखा है, और बहुत अच्छे से दे रखा है, 6 वॉल्यूम होता है 0 से 5, वो कंप्लीट कर लोगे तो आपका बहुत वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ वर्ड का सेक्शन खत्म हो गया। इडियम्स फ्रेज के लिए प्रीवियस ईयर करो, और उसके बाद किरण पब्लिकेशन में है बहुत ज़्यादा, अगर कोई फॉलो कर रहा है ब्लैक बुक तो ब्लैक बुक पढ़ लो, और साथ में उसके बाद जब टेस्ट प्रैक्टिस करो तो किरण से ही करो, क्योंकि ब्लैक बुक पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए उसमें मतलब पढ़ लो और प्रैक्टिस यहाँ आके कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिलर्स की बात बोल रहे हो तो न्यूज़पेपर से फिलर्स और वो दोनों कैप्चर हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका ग्रामर सही रहेगा, ग्रामर का सेक्शन कंप्लीट रहोगे तो ये तीनों मैच करेगा तो सही हो जाएगा। फिर आता है ऐसे राइटिंग पैसेज में क्या होता है, आप जब पैसेज बनाते हो तो उसको पढ़ते हो, जब पढ़ते हो तो कभी कभी आपको क्लिक करता है कि ये वर्ड होना चाहिए, वो कैसे क्लिक करेगा कि वही वर्ड होना चाहिए, कभी कभी ग्रामर वहाँ फेल हो जाता है, आपका ग्रामर कोई काम नहीं करता है, तो फिर वहाँ पे वर्ड को लोकेशन होता है कि इस वर्ड के बाद यही आना चाहिए, वो काम करता है। और अक्सर न्यूज़पेपर में ये चीज़ यूज किया जाता है कि ये इस वर्ड के बाद ये चीज़ आ रहा है, तो ये सब चीज़ को आप लोग ध्यान देते हुए स्टार्ट करो तैयारी। और कहीं भी दिक्कत हो, जैसे वर्ड नहीं याद हो रहा है आप लोगों से, तो वर्ड का ट्रिक बनाओ नेगेटिव सेंस में बनाओ तो ज़्यादा याद हो जाएगा। मैंने बहुत वर्ड का ट्रिक बनाया, बहुत हद से ज़्यादा, हम लोगों का ग्रुप ही था वही करने के लिए, तब जाके कहीं ना कहीं वर्ड बहुत अच्छा हुआ, और आज भी कभी वर्ड नहीं याद होता है तो वैसे ही मैं तोड़कर मरोड़कर याद कर लेता हूँ। ठीक है,
तो ये काम आप लोग स्टार्ट कर दो। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब ये सारा वर्ड सेक्शन का मतलब चारों चीज, ठीक है, वन वर्ड, एडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। अगर इस पे कमांड हो गया अच्छे से तो आपका वर्ड का सेक्शन जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो पूछता है वो कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन सीधे 25 में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जो न्यूज़पेपर पढ़ोगे उससे पैसेज और फिलर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं एरर्स भी ग्रामर की वजह से, ग्रामर और मिक्स करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। और जो भी दिक्कत है आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या परेशानी आती है, तो मैं फिर सजेस्ट करता हूँ क्या करना चाहिए। क्योंकि मैंने मैं बताऊँ कि मैं इंग्लिश का अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते रहता हूँ, मेरे को मिलता है तो पढ़ते रहता हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करो कि न्यूज़पेपर को ज़्यादा फॉलो करें। चलिए, तो तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।